हेलो एवरीवन आई होप आप सब अच्छे होंगे सो इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करने वाले हैं ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सीटेट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप देख सकते हैं राइट सो पैराग्राफ और एक एक पैसेज और एक पोम के बेसिस पे या दो पैराग्राफ्स आपके आएंगे ही आएंगे राइट तो पैराग्राफ आप जनरल किसी भी बुक से तैयार कर सकते हैं सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेडोगोजी बेस्ड राइट और ग्राम ग्रामर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ विच मेथड हैबिट किस में बनती है कौन से मेथड में बनती है राइट कम्युनिकेटिव अप्रोच में ऑडियो लिंग्वेज में या फिर टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में या कंस्ट्रक्टिविज्म में तो अगर हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन बार बार रिपीट करते हुए दैट इज ऑडियो लिंग्विज्म राइट देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एक टीचर है क्लास सेवन की आज आर लर्नर्स टू ब्रेंग एटलीस्ट टू और थ्री ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम घर से दो या तीन ऑब्जेक्ट लाने उसके बाद वो बोलती है कि एक्सचेंज कर लो ऑब्जेक्ट्स को और पूछती है कि अब आप जो आपने एक्सचेंज किया अपने फ्रेंड से ऑब्जेक्ट्स को उसके बारे में दस सेंटेंसेस सुनाओ तो ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को क्या कहते हैं रियल या होम ऑब्जेक्ट टीचर का मटेरियल या फिर ंगजेस ऑफ टॉप डाउन टॉप डाउन अप्रोच में कौन सा सही है इनोटेशन कंपाउंड को डिस्क्रिमिनेट dis, uh, करना फोनिम्स को डिस्क्रिमिनेट करना प्रोमिनेंट डिटेल्स को अच्छे से पहचाना या टॉपिक को पहचाना तो जब टीचर शुरुआत में ही टॉपिक बता देती है दैट इज टॉप डाउन अप्रोच ठीक है और टॉपिक से ही शुरुआत करती है देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक टीचर है वो अरेंज करती है अपने लर्नर को पेयर्स में और बोलती है कि पेयर में बैठो उन्हें दो पैराग्राफ देती है एक लर्नर को उसे जोर जोर से पढ़ना है और पार्टनर को उसकी डिक्टेशन कर, करानी है देन एक बार प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा मतलब एक बार बच्चे ने पढ़ा और उसके जो मेजर वर्ड्स होंगे वो उसका डिक्टेशन लेगी और सेकेंड टाइम पे एक बच्चे दूसरे बच्चे ने पढ़ा फिर डिक्टेशन होगा सो वॉट इज दिस प्रोसेस नोन एज डिक्टेशन पार्शियल या कम्पोजिशन डिक्ट ऐसी कहा जाता है वर्क करती है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए देखो इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रनसिएशन कैसे आप किसी वर्ड को प्रनाउंस कर रहे हैं ग्रामर एंड वो कैबलरी इंस्टेड ऑफ क्लैरिटी क्लैरिटी और सोशल कल्चर रूल वर्ड इनसे वो बात की बात है बट जो सबसे मेजर है जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर ये ना क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में कि uh, फटाफट पढ़ने को क्या बोलते हैं ठीक है वॉट इज दिस रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन ठीक है तो इसको हम बोलते हैं बच्चा क्या कर रहा है बच्चा स्किमिंग कर रहा है ठीक है जब बच्चा फटाफट फटाफट पढ़ता है तो दैट इज स्किमिंग नेक्स्ट इज हेयर आर सम सेट ऑफ वर्ड्स इन सम पैटर्न फाइंड वॉट आर दीज एंड टीचिंग बिट डिड हिड हेड लेड लेड ठीक है मिस मिस तो बेसिकली हो क्या है यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स है कंपेरेबल पेयर्स है ओवल्स है स्ट्रेस एंड इनोटेशन सो दे आर कॉन्ट्रास्टिव राइट नेक्स्ट इज वर्ड विच हियर और सी देम वर्ड जो देखते ही बच्चा समझ जाता है उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्टिव वो तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है पर वो देखते ही समझ रहा है तो जो देख रहा है उसे रिसीव कर रहा है इसी वजह से हम इसे बोलेंगे रिसेप्टिव वोकैबुलरी ठीक है नेक्स्ट इज वॉट फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट फ्री राइटिंग में ना बच्चा अपने अकॉर्डिंगली लिखेगा तो अपने जितना उसको अंडरस्टैंड हुआ है कंटेंट और जितनी उसकी फ्लुएंसी है उसको लिखेगा उसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि एक्यूरेसी में लिखना है या ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में फ्री राइटिंग में फॉर एग्जांपल बच्चे को बोल दिया कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया फ्री राइटिंग करो राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैडोलॉजिकल ग्रामर पेडोलॉजिकल ग्रामर क्या होती है ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी शुड बी रूल रूल फोकस सारे ग्रामर में रूल होने ही चाहिए टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स बिगिन इन फॉर्म एंड मूव ऑन टू यूज टीचिंग टीचिंग थ्रू इमर्शन तो जो अप्रोच होती है दैट इज एक्चुअली ग्रामर इन पेडोलॉजिकल कॉन्टेक्सम आप ग्रामर को किसी चैप्टर के थ्रू करा रहे हो राइट ग्रामर भी उसमें कवर कर रहे हो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज अ एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन पोम इसमें से कौन सा ऐसा है जो पोम कराते हुए नहीं यूज होगा डिवाइस ये तो होती है नेक्स्ट आपका थीम ऑफ द पोएम ग्रामर या फिर वो कैबलरी तो जब आप पोएम कराएंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ग्रामर से रिलेटेड बट येस पोइटिक डिवाइस थीम ऑफ द पोएम और वो कैब्लरी ये चीज ध्यान में रखी जाएगी नेक्स्ट इज ओनली फॉर डुइंग पोएम बट अगर हम वैसे बात करें तो ग्रामर भी काम में आएगी अ टीचर आज हर लर्नर्स टू वॉच अ मूवी टू डेज अगो एंड नाउ शी आज गेम की अब अब इस पर डिस्कस करेंगे हम हीरोन hero के ऊपर इस असेसमेंट को क्या बोलते हैं क्स्ट्रापोलेटिव क्रिटिकल पेडोगॉजी तो नहीं इसमें कोई रिसर्च नहीं मिली स्पीकिंग टास्क तो बाद में हुआ थिंकिंग कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा क्योंकि वही डिस्कस करना है सो दिसरी कॉमन इवन हॉलीडे होमवर्क में भी टीचर्स बच्चों को कह रहे हैं कि कोई एक अच्छी मूवी आपने देख के आनी है और उसके ऊपर आपको जो उसके भी यूजर रिपोर्ट लिख के लानी है कुछ इस तरीके से ऐसे टास्क को एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क बोलता है वॉट इज फ्लुसी इन रीडिंग में फ्लुएंसी क्या होती है कि बच्चा रीड कर पा रहा है इजिली ability to read a text without any mistake बिना mistake के read कर पा रहा है या फिर interpret भी कर पा रहा है ability to read without basically reading के fluency के अंदर हम बस ये देखेंगे कि बच्चा उसे express कर पा रहा है और read कर पा रहा है ठीक है उस time पे interpretation की कोई बात नहीं हुई है next is which of the following statement are true language of languages in India English is the official language of India which is आप बताइए true होगा कि या नहीं हिंदी is national language of India

को जानना या डिक्शनरी यूज करना डिक्लेरेटिव का कर मतलब ये होता है कि जो जो चीजें लिखी हुई है ना डिक्लेयर कर रखी है उसको जानना ठीक है तो नोइंग द रूल ऑफ ग्रामेटिकल आइटम सो आज हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन करे हैं आप प्लीज अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच